गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अगर किसी सर्कल, ये कोई सर्कल है, उसमें एक कोण और रेडियस गिवन है, राइट। और वो टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो पूछते हैं अप टू दिस इंटरसेक्ट्स, टीपी पूछते हैं। तो देखिए अब स्टेटमेंट क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में एक कोण की लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन है और टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो क्या करेंगे। जैसे कि इन बिलो गिवन एग्जाम्पल, पी क्यू दैट इज द कोण, ये गिवन है, ओ पी ये रेडियस है, ये गिवन है ओनली, और आपको टी पी जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो टिप है वो क्या है कि आपको यहाँ तीन ट्राइंगल यूज करने हैं टू फाइंड दिस टी पी। तो सबसे पहले आप क्या करें, ड्रा ए लाइन फ्रॉम टी टू ओ। ये जो टी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आप सेंटर लाइन को ज्वाइन कर दें, ओ जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उसको ज्वाइन कर दें। तो ये जो टी ओ लाइन है, इस आइसोसील ट्राइंगल को टी पी ओ को टी पी क्यू को टी पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा, ये जो टी ओ लाइन है, राइट। तो यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जो पी आर डिस्टेंस है वो आर क्यू के इक्वल होगा, और ये जो कोण है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसील ट्राइंगल। सो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, पी आर ये आपका और आर क्यू ये इज इक्वल टू पी क्यू बाई टू। तो आपने एक साइड जो है ये फाइंड आउट कर लिया, एक साइड ये फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो वो तीन ट्राइंगल कौन से होंगे उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल है टी पी आर, ये टी पी आर, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल है आपका। और यहाँ पे आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज जो टी पी डिस्टेंस है वो एक्स है और जो टी टू आर ये जो डिस्टेंस है ये वाई है। तो एक्स वाई जो है आपने उनको पहले ही नाम दे दिया है साइड्स को। तो पहला ट्राइंगल हुआ टी पी आर और दूसरा ट्राइंगल हुआ पी आर ओ, जो विद इन दी सर्किल है पी आर ओ, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। और थर्ड एंगल होगा ये टेंजेंट है, आप इस पर रेडियस को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या एंगल होगा, कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट। अगर इसमें टेंजेंट को आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ रेडियस को जब ज्वाइन करते हैं तो टेंजेंट पर वो कितने एंगल का डेवलप करेगा, तो टेंगल एंगल पर ये यहाँ जो एंगल होगा टेंजेंट पर वो 90 डिग्री का होगा, राइट। तो ये थर्ड है पी ओ पी टी, ये थर्ड ट्राइंगल है, और इसी थर्ड ट्राइंगल के अंदर ये टी पी डिस्टेंस गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेडियस गिवन है तो इस ट्राइंगल की एक साइड गिवन है और अननोन जो है वो ये टी ओ डिस्टेंस है। टी ओ में से टी आर को हम वाई एज्यूम कर लेते हैं, और ये आर ओ जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो साइड है पी आर ये कोण का हाफ है, ये रेडियस है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, तो जब हम थर्ड ट्राइंगल ये ओ पी टी यूज करेंगे और वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो उस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ओ टी ओ पी, ओ पी गिवन है, ओ टी जो डिस्टेंस है वो अननोन है, तो उस कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसको कोरिलेट करते हैं वो देखना है, राइट। आई होप कि जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ चुका है कि कोण और रेडियस अगर गिवन है तो टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ में देख लेंगे इसको, राइट। तो यहाँ एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, जो कोण है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर की गिवन है, और आपको डिस्टेंस जो है टेंजेंट का फाइंड आउट करना है जो कि टी पी है। तो आपने क्या किया, टी को ओ से ज्वाइन कर दिया, कोण टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है आइसोसेल ट्राइंगल की वजह से, पी क्यू टी की वजह से, राइट। तो ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो आप इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे, राइट। तो रीड करते हैं, टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, राइट।
ये टेंजेंट हैं जो ड्रा किए हैं एन एक्सटर्नल पॉइंट पर, और टी पी क्यू इज एन आइसोसील ट्राइंगल एंड टी ओ इज दी बाइसेक्टर ऑफ पी टी क्यू, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर में है, राइट। तो अब ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ टी ये लाइन है और पी क्यू जो कोण है वो इसके परपेंडिकुलर हुआ है, तो वहां से उसको वो बाइसेक्ट करती है इन टू सेगमेंट। तो आपकी एक साइड जो आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। पी आर जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा, पी क्यू डिवाइडेड बाई टू, पी क्यू डिवाइडेड बाई टू, तो पी आर इतना है तो उतना ही तो आर क्यू है, तो ये दोनों हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, पी आर ओ, ये जो बाहर का ट्राइंगल है पी आर आइसोसील जो ट्राइंगल है, ये पी क्यू टी, इसके अंदर एक ट्राइंगल ए कंसिडर किया पी आर टी, और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर, ये पी आर ओ, पी आर ओ ये जो ट्राइंगल है इसको यूज किया हुआ है। तो पी आर ओ ट्राइंगल में पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पर केवल एक अननोन था जो आर ओ डिस्टेंस था, तो वो 6 सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट कर लिया। ये थी पहली एक्सरसाइज जो इंटरनल सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना है उसमें आप सेंटर से और ये जो कोर्ड का डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया है पहले। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करेंगे जो पी आर टी है, राइट। पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा आर टी स्क्वायर प्लस आपका पी आर स्क्वायर या आर पी स्क्वायर, और यहाँ पे एज्यूम क्या किया है कि टी पी इज इक्वल टू है एक्स और टी आर इज इक्वल टू वाई, तो देन ओ टी कितना होगा, ओ टी हो जाएगा टी आर प्लस आर ओ, दैट मीन्स वाई प्लस 6 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिए। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये जो बाहर का ट्राइंगल था आइसोसील जो ट्राइंगल था उसका एक जो सेगमेंट था ये, उससे हमने एक ये सेकंड इक्वेशन को जनरेट कर लिया जहाँ पे एक्स स्क्वायर जो आया वाई स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर आया। 8 कहाँ से आया, ये साइड जो थी कोड की इसका हाफ पार्ट है, और ये कितना है वाई है, राइट। तो अब थर्ड ट्राइंगल की बात करते हैं। थर्ड ट्राइंगल कहाँ से बना है, ये जो टेंजेंट आपका गया है ये, राइट। तो इससे यहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ से जब आप रेडियस को ज्वाइन करेंगे इसको, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो एक टी पी गिवन है एक्स, और एक पी ओ गिवन है, और एक ओ टी गिवन है। तो ओ टी स्क्वायर जो होगा वो होगा टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे टी पी की, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस और जो आपका पी ओ है, ये पी ओ कितना है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 10 स्क्वायर, और ये जो आपका बचा था टी ओ ये कितना हो जाएगा वाई प्लस 6 स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ करना है कि इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, राइट। तो ये आ जाएगी वाई की टर्म में, तो वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये ऑलरेडी गिवन था। तो आप इस इक्वेशन को अब आपको सिंपलीफाई करना है यहाँ से यहाँ तक का, और उससे जो आपको वाई का रिजल्ट मिलेगा वो 32/3 मिलेगा जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब वाई एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आप इस इक्वेशन को दोबारा यूज करो, और यहाँ पर ये वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स के लिए सिंपलीफाई करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर आपको कोर्ड और रेडियस अगर गिवन है और बाहर से ये कोई टेंजेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 3 ट्राइंगल आपको यूज करने होंगे, राइट। तो 3 ट्राइंगल कैसे डेवलप हुए हैं, 3 ट्राइंगल आपका जो एक्सटर्नल पॉइंट था आपने जब उसको रेडियस सेंटर से ज्वाइन करा दिया है, राइट। तो वहाँ एक जो पी क्यू टी ये आइसोसील ट्राइंगल था, ये इसको बाइसेक्ट करती है लाइन, तो वो जो कोण है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 3 एंगल हुए, एक पी 3 ट्राइंगल हुए, एक पी आर टी,
एक पी ओ आर, एक आपका हुआ ये पी ओ टी। तो पी ओ टी के थ्रू ही हम लोगों को वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और तब आप इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।